हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर यहाँ पर जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बार भी हो चुका है और सिक्स्थ टाइम है हिस्ट्री ऑफ टीसीएस डायरेक्ट ऑफर लेटर आफ्टर रिजेक्शन बेस्ट एंड एग्जाम। और बता दो फ्रेंड, यहाँ पर जो है मार्च का भी रिजल्ट आउट हो चुका है। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ को लेकर मेल भी करा था कि इससे मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोगों को बेस्ट ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, बट बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों को डायरेक्ट ऑफर लेटर भी देखने को आ रहे हैं। फिर आपको मैसेज में देखने को मिल रहा होगा, हेलो सर, अच्छा यहाँ पर हेलो होगा, ओके, आई रिटन एग्जाम इन मार्च एंड टुडे आई गोट डायरेक्ट ऑफर लेटर, थैंक यू सो मच भाई। ओके, हाई ब्रो, आई गोट डायरेक्ट ऑफर लेटर स्टेटस ऑन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, आई रिजेक्टेड इन टीसीएस इंटरव्यू, आई रेस्ट इंक्वायरी ऑन माय रिजेक्टेड अकाउंट। बता दो फ्रेंड, अगर आप लोग जो है प्रीवियसली ऑल TCS रिजेक्टेड कैंडिडेट्स ऑल्सो गेटिंग डायरेक्ट ऑफर लेटर, हाउ आप लोग मन में आता होगा डाउट, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपको मैं शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग जो है एग्ज़ाम दिए हो, इंटरव्यू दिए हो, अगर आपका रिजेक्शन आफ्टर HR के बाद हुआ है, अगर आप लोग जो है TCS के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ऑलरेडी फुलफिल करते हो, अगर आपका रिजेक्शन मेल तब भी आया है आफ्टर योर HR राउंड एंड आफ्टर योर DV राउंड, देन जस्ट यू कैन राइज अ क्वायरी ऑन योर रिजेक्टेड अकाउंट एंड जस्ट गो टू योर रिजेक्टेड अकाउंट एंड जस्ट गो टू हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन एंड राइज अ क्वायरी, सर आई गोट रिजेक्शन इन HR राउंड बट आई ऑलरेडी फुलफिलिंग ऑल द TCS क्राइटेरिया, ओके, ऑन द सेम डेट माई ऑल्सो मेनी फ्रेंड्स गिवन द HR राउंड एंड दे गॉट डायरेक्ट ऑफर लेटर बट आई गोट रिजेक्टेड स्टेटस, काइंडली अपडेट माई पोर्टल सो दैट TCS काइंडली अपडेट माई पोर्टल, ओके, एज अ ऑफर्ड बिकॉज आई एम ऑलरेडी फुलफिलिंग ऑल दी TCS क्राइटेरिया, जस्ट राइज अ क्वेरी ऑन योर रिजेक्टेड अकाउंट, ओके, जिस अकाउंट पे आपको रिजेक्शन आया है फ्रॉम द TCS टीम की तरफ से आफ्टर HR राउंड, उसी अकाउंट से आप लोग जो है क्वेरी राइज करना और CT DT नंबर, NQT नंबर एंड NQT का स्कोर कार्ड, और जिस दिन आप लोगों ने HR राउंड दिया था, जिस दिन आपने टेक्निकल राउंड दिया था, उसका डेट मेंशन जरूर करना, और हाँ, अपने मेल का स्क्रीनशॉट भी जरूर डालना, ओके, तो यहाँ पर आप लोग की बातों को ध्यान में देना होगा, स्क्रीनशॉट जरूर डालना ताकि उनको लगे कि यस, ये बंदा HR दे चुका है, ओके, और यहाँ पर आप लोगों फिर स्टेटस वगैरह भी अपडेट हो जाएगा, ऑफर लेटर जनरेटेड बैच के बाद आपका ऑफर लेटर जनरेटेड आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्ट ऑफर लेटर विदाउट इंटरव्यू, यस, ओके, यहाँ पर सभी को मैं नहीं बोलता कि सभी के सभी को आएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर TCS में जॉब लेने के लिए आपके पास 80% लक होने चाहिए और 20% प्रिपरेशन, और जिन लोगों के पास काफ़ी अच्छा मतलब जो लोग अच्छे प्रिपरेशन भी किए तो उनका भी रिजेक्शन देखने को आ रहे हैं, यस, बट जिनके पास लक भी है वही लोग जो है इसमें जा सकते हैं, और एग्ज़ाम रिजल्ट आउट विद इन 15 डेज, बताओ फिर यहाँ पर 16 to 15 डेज के अंदर में रिजल्ट आउट होते हैं, मैं यहाँ पर आपको लोग को जो है करेक्ट कर देता हूँ, 6 से 15 दिन के अंदर में आपके पास जो है आइदर बेस्ट आइदर ऑफर लेटर डायरेक्ट जनरेटेड आपके पास इस तरह का ऑप्शन देखने को आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट आउट होना चालू हो गए, आइदर आपने फरवरी में एग्ज़ाम लिखा हो, मार्च में एग्ज़ाम लिखा हो, नवंबर में एग्ज़ाम लिखा हो, ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो रहे हैं, आइदर सिलेक्शन और रिजेक्शन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के सभी सिलेक्टेड ही हो रहे हैं, नहीं, बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन भी आ रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपका रिजेक्शन HR के बाद आ रहा है तब क्या करना, मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपका रिजेक्शन टेक्निकल के बाद आ रहा है तब आप लोग नया अकाउंट बना के अप्लाई करो, और हाँ, अगर आप लोग का एग्ज़ाम देने के बाद 1 महीने हो गए, कोई अपडेट नहीं आया, फिर से नया अकाउंट बनाओ, फिर से अप्लाई करो, फिर से असेसमेंट लिंक अब एग्ज़ाम दो, इस तरह के आप लोग जो है इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हु आर जस्ट नाउ रिसीव डायरेक्ट ऑफर लेटर फ्रॉम TCS टीम एंड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सॉरी वर्किंग ऑन TCS ऑन द सपोर्ट रोल, क्योंकि इसमें आपको डेवलपर रोल नहीं मिलने वाला है करंट के लिए, और हाँ, अभी जो TCS का रेजोनेंस जो चल रहा है, बिग डेटा, हडूप, इस पर जो टेक्नोलॉजी पर TCS भी करंटली रिक्वायरमेंट कर रही है फ्रॉम द TCS रेजोनेंस हायरिंग और उनके प्रिपरेशन के द्वारा, वहाँ पर चांसेस है कि आपके पास कुछ अच्छा रोल देखने को मिलेगा, बट अभी जितने लोग भी जा रहे हो TCS में, सबका सपोर्ट रोल ही है, ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी जो करंट में चल रही है ना, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ रेजोनेंस को लेकर, उसमें लोग जो लोग जा रहे हैं उनके पास सपोर्ट रोल देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है, लेकिन आप लोग जो भी जा रहे हो सबका सपोर्ट रोल है, अच्छे से काम करना, मेहनत दिन लगा के काम करना, और जिन लोगों का अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं है, अपडेट कुछ भी नहीं है, जस्ट वेट करना कुछ दिन तक, बस उम्मीद रखना, भरोसा रखना, नेवर गिव अप, नेवर बी नेगेटिव, कोई भी इंसान आपको बोल रहा है मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं आया, तो उसको देख के डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, अपने आप में पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव वाइब्स हमेशा रखना है और हमेशा हैप्पी रहना है, ताकि आपके पास भी कभी ना कभी खुशखबरी जरूर देखने को आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं तो आपके पास भी जरूर आएगा, रिटर्न की कोई बात नहीं है, कुछ भी डाउट होता है कमेंट पूछ सकते हो, मिलते हैं आपको दूसरे, जय हिंद, जय भारत।